हेलो सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हाँ थोड़ी होस्ट है दोस्त मोनी गिल। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ कुलदीप गिल। तो तुझे देख रहे हो जस्ट चिल विद मिस्टर एंड मिसेस गिल। और आज मिस्टर एंड मिसेस गिल तुहानू चिल करा रहे ने बड़े स्पेशल पर्सन नाल, क्योंकि वो पर्सन भी बड़ा चिल और कूल टाइप रहेगा जी। सब तो पहला सारा नू ईद दी बहुत बहुत मुबारक होवे। आई नो कि ईद चली गई, लेकिन साडे लिए ईद अज है, क्योंकि अज आपां ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत वड्डा स्टार है साढ़े नाल ईद सैलीब्रेट करना रहा। असं खुशकिस्मत हाँ। वह कौन ने, वह की ने, हमने दो मिनटा जो थोड़े सामने हो जाए तो उन्होंने असं ज़्यादा देर ना लाइए, असं लाइव पाने जी। वह है ने जुनेद सुल्तानी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। सो जुनेद जी तुहानू असं लाइन पर पाने। जुनेद जी बहुत बहुत स्वागत है माई टी वी पर। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सब तो पहला ते बड़े हैंडसम लग रहे हो सर, पग बन के हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया, ये आपके प्यार की बात है। तो आप बताएं, ईद तो होगी लेकिन आप लोगों ने ईद कैसे सेलिब्रेट की लॉकडाउन में? लॉकडाउन में अपनी फैमिली के साथ ईद मनाई गई। अच्छी बात है। तो क्या इस दफा थोड़ी सी डिफरेंट ईद थी, क्योंकि लोग मस्जिद नहीं जा पा रहे थे? पहली बात तो ये बताएं, हमारी आवाज क्लियर आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। और मेरी बहुत, आपकी भी क्लियर आ रही है? मेरी क्लियर आनी चाहिए। कुलदीप की आ रही है या नहीं आ रही मुझे नहीं पता, मेरी आनी चाहिए। नहीं, दोनों की माशाल्लाह अच्छी आवाज है। चलो फिर ठीक है। तो जैसे हम कह रहे थे, इस बार सारी दुनिया ने ईद बहुत डिफरेंट तरीके से मनाई क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन ईद का जज्बा और सेलिब्रेशन वही है। तो आप लोग हर साल ईद मनाते हो, तो इस साल क्या डिफरेंट क्या लगा ईद मनाने में? सर सर देखिए, ईद जो मनाई हमने वो यकीनन ईद तो मनानी थी, मगर वो जो खुशी होती है हर साल की तरह, तो वो बिल्कुल खुशी नहीं थी हम लोगों में। क्योंकि सबसे मेन चीज, हम मस्जिद नहीं जा सके, ईद की नमाजें भी हम लोगों ने घर में पढ़ी और अपने प्यारों को गले नहीं लगा सके, तो इस चीजों से थोड़ा सा आंखों में आंसू आए कि जो त्योहार ऐसा है कि दुश्मनों को भी गले लगाया जाता है, उस त्योहार पे हमने अपनों तक को गले नहीं लगा सके। तो एक काम करते हैं, आप अपनों को गले नहीं लगा पाए, आज क्यों ना आपकी सुरों से हम सारी दुनिया को एक दूसरे के गले लगवा दें। जी, तो आज हमारे जो सबके बीच में एक सुर है और वही सुर आपके पास है, सो हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ रब का नाम, कुछ अल्लाह का नाम, कुछ ईद की शुरुआत आज की शुरुआत करें, आज के ईद के प्रोग्राम की शुरुआत करें। जी बिल्कुल, अल्लाह के नाम से, ऊपर वाले के ईश्वर के नाम से हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और बड़ी खुशी है कि आज हम यूएस के बहुत प्यारे चैनल से लाइव है माई टीवी, और मैं पूरी आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें अपने चैनल पे याद फरमाया, और जिसमें हमारे बड़े अजीज पिंकी पारस जी की बड़ी मोहब्बतें रही हैं उस इस प्रोग्राम में शामिल कराने के लिए हमें। और हमारे प्यारों को आप लोगों ने हमसे जोड़ा है, तो ये सबसे बड़ी ईद स्पेशल मेरे लिए है। क्या बात है, वैसे आपके भरमार ऑलरेडी मैसेजेस आ गए हैं, बड़ी सारी दुनिया देख रही है। पिंकी बेचारी लिख रही है कि बड़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सिग्नल अच्छा मिले, क्योंकि आजकल इंटरनेट के ज़रिए ही देखें, हम यूएसए में बैठे हैं वाशिंगटन डीसी में, और आप इंडिया में पहले बताएं आप कहाँ से हैं जुनेद जी, इस वक्त आप कहाँ बैठे हैं? मैं इस वक्त बहुत प्यारी सरजमीन से बात कर रहा हूँ, जिस सरजमीन को वलियों ने लिखा है, मदीनातुल औलिया, बदायूं शरीफ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं जो यूपी में है। क्या बात है, और इसे वलियों ने मदीनातुल औलिया कहा है, और ये सरजमीन वो सरजमीन है बदायूं। मैं आपको बताता चलूं कि बड़ी तारीखी सरजमीन है ये। जैसे कि हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही, जिनका दिल्ली में मज़ार अक़दस है, हाँ जी, तो
हजरत निजामुद्दीन औलिया की पैदाइश सरजमीन बदायूं पे हुई, उनका आधा खानदान यहाँ मौजूद है बदायूं शरीफ में। और यमन के बादशाह हजरत छोटे बड़े सरकार सुल्तानुल आर्फीन साहब शाह विलायत बद्रुद्दीन, जिनका मैंने बायोडाटा में भी आपको दिया है, जिक्र मैं किया उस दरबार का दरबारी मवाल हूँ। मुझे फख्र है इस बदायूं पे कि इस बदायूं में बहुत बड़े बड़े वलियों के अलावा शोहरा इकराम बहुत अच्छे अच्छे हुए, जैसे आपने सुना होगा शकील बदायूनी, पानी बदायूनी, नदीम साहब, हिलाल बदायूनी, और बहुत बड़े शकील साहब के बाद भी बहुत बहुत बड़े इसमें मेरे नाना खुद के कौकब बदायूनी, ये शायर हुए। उसके अलावा गायकी की अगर मैं बात करूं तो भी बहुत बड़े बड़े, ये पहली बदायूं पहला जिला है यूपी का, बल्कि इंडिया का, कि जिसमें 5 पद्म अवार्ड आए, 5 से 7 पद्म अवार्ड आए। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब मेरे मामू जान, जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया पिछले साल, उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, और भी काफी लोग, और कव्वाली के दुनिया से जनाब जाफर हुसैन बदायूनी, तस्लीम आरिफ साहब, और भी काफी दिग्गज, मेरे वालिद साहब रफीक अहमद सुल्तानी। क्या बात है। अच्छा, मैं इसी आपने पर अभी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब का नाम लिया, वो आपके मामू और जी उस्ताद हैं जी, राइट। मेरे जी डैडी मेरे मामू अजमेर सिंह जी, उनका नाम है बॉम्बे से, वो खां साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। पता नहीं कितने सालों से उनकी दोस्ती है, और मुझे बहुत बार मौका मिला उनसे मिलने का, सो आई नो हिम वेरी वेल। बस मैं भी ये दुआ करूंगा कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी जिंदगी सलामत रखे हाँ और जी, वो अपना अपनी तालीम हम लोगों को बांटते रहे। क्या वाह बात जी है। वाह, सो इतने बड़े उस्तादों का नाम लिया, तो क्यों ना शुरू किया जाए आज का प्रोग्राम। लेकिन शुरू करने से पहले मैं क्योंकि चाहती हूँ कि पहले थोड़ी सी आप अपने नानका साइड और दादका साइड की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, आई नो कि हमने बायो में लिखी है लेकिन कभी आपके जुबानी सुनने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा कि म्यूज़िक की जर्नी मैं बताना चाहती हूँ जो हमारी ऑडियंस है, कि मैं ऐसे लोगों को लेकर आती हूँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन दर जनरेशन गाते आ रहे हैं, उनकी पीढ़ियाँ गाती आ रही हैं। तो ये हमारे माई टीवी की खासियत है कि वो जनरेशन टू जनरेशन गा रही है। तो आप अपने थोड़ी सी नानका साइड और दादका साइड की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। आवाज़ आ रही है? मैम, आपकी मुझे आवाज आ रही है, मुझे कमेंट आ रहा है कि जो मोनी जी की और कुलदीप भाई की आवाज ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ी आपकी आवाज ओके, ऑडियंस को कम पहुंच रही है। वो मैं कोशिश करती हूँ कि हम सही कर दें थोड़ी सी अभी। नहीं, हेलो हेलो, एक बार मैं चेक भी कर लूँ कि देख रहे हैं हमारी पिंकी पारस, कैन यू टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन, अगर आप हमें सुन रही हैं, क्योंकि हम लोग इस वक्त लाइव हैं और जैसा कि बताया कि इंटरनेट के ज़रिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि फिक्स करें। तो हमारी आवाज़ कम आ रही है कि बिल्कुल ही नहीं आ रही? मोनी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अभी कम आ रही थी, अभी मेरी आवाज़ बताना जो हमारे व्यूअर्स हैं कि हमारी आवाज़ सही आ रही है, क्योंकि देखें जी अभी भी हम लोग यूएसए में लॉकडाउन में ही हैं और लॉकडाउन में कोशिश यही ओके, है कि पिंकी कह अपने रही आप सब आवाज़ कर ठीक सकें। है। अच्छा, पिंकी ओके, पारस जी का आ पिंकी गया जी कह रही आवाज़ ठीक है, है। तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब ठीक है, कैप्टन चलो अब ठीक है आवाज़। चलो, ये तो अच्छी बात है कि आपके जरिए पता चल गया। और जी, अब जैसे ठीक है हम, आवाज़। जैसे हमारा माई टीवी का एक उपराला कह लो कि हम खानदानी सिंगर जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाते आ रहे हैं, और जैसे मोनी जी ने कहा कि आप अपने नान का मॉम साइड और दाद का डैड साइड के बारे में थोड़ा कुछ बताएं पब्लिक को। जुनेद, आवाज आ रही है हमारी? जी, आपकी आ रही, कुलदीप भाई की आवाज़ कट गई। अच्छा, अच्छा, कुलदीप की तो कुलदीप कट भाई कट ही जी, जाए तो अच्छा कट ही ना जाए है। किधर प्रोग्राम से। नहीं, मैं जोक कर रही हूँ, अच्छा पता चले अगली बार मेरे साथ शो नहीं कर रही है। अच्छा जी जुनेद, आप, मुझे पता है कि आप एक तो पहले एक बात तो फेसबुक पे शेयर भी कर दे अपनी फेसबुक पे, और दूसरा ये कि मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बताएं अपनी। जी, मैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बदायूं से बिलोंग करता हूँ, यूपी से, और मेरी जो
म्यूजिक जर्नी स्टार्ट हुई वो तबले से हुई। दरअसल तबला मैंने दिल्ली में उस्ताद मुबारक हुसैन खान साहब से सीखा, और उसके बाद मुझे शौक लगा गाने का, तो नुसरत साहब को सुनने का बहुत शौक था और शौक है। फिर उनके अलावा मेरे वालिद साहब ने मुझे तालीम दी फिर गाने की, क्योंकि तो मेरे वालिद साहब भी कव्वाल थे माशाल्लाह। और मैं खानदानी जो मेरे दादा उस्ताद वहीद अहमद खान अब्दुल वहीद साहब वो भी कव्वाली करते थे, मेरे वालिद साहब, और फिर अब ये मैं रस्म अदा कर रहा हूँ कव्वाली करके। और कंडा मैंने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब से बनवाया क्लासिकल का, और भी काफी लोगों को मैं सुनता हूँ जो मेरे बड़े हैं, जैसे कि बड़े बड़े सुरीले कव्वाल, जैसे पाकिस्तान में भी काफी कव्वाल, और इंडिया में हमारे गुलाम फरीद साहब पाकिस्तान से, और इंडिया में हाजी असलम साबरी साहब, राजा सरफराज साहब, जाफर हुसैन खां बदायूंनी, और पुराने कव्वाल हमारे जो नियाज नजीर सजा और इकबाल अफजल साबरी साहब, नुसरत साहब तो हैं ही हमारे दिल अजीज। ये मुझे शौक रहा है बचपन से अच्छे आर्टिस्टों को सुनने का। अच्छी बात है, मुझे ये भी मालूम पड़ा कि आपने बहुत छोटी उम्र में ही तबला और सिंगिंग बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके ब्लड में ही है। सुनाई दे रहा जी मैंने कहा क्योंकि सिंगिंग आपके ब्लड में ही है तो आपने चाइल्डहुड से स्टार्ट कर दी थी, तो क्यों ना अब उसका सिंगिंग का थोड़ा सा चस्का लिया जाए, कुछ सुना दीजिए। अच्छा, चलिए मैं इंशाल्लाह ताला हम से प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूँ, और जो कि बड़ी पसंद है मुझे हम, और ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने की। और मेरे साथ मैं पहले तारुफ करा दूँ, जनाब रेहान भाई, हमारे रेहान सुल्तानी साहब मेरे भाई, और फयाज भाई जो इस वक्त तबले पे, और मेरे भाई सुभान भाई सब मौजूद हैं साथ में। शुरू कीजिए सर। इजाजत, और जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं मैं उन सबसे भी इजाजत चाहता हूँ। आ
डेंटल टेक्निको। टेक्निको जी, आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, तो आप अपनी वॉल्यूम चेक करें। एनीवेज, अल्लाह हु वन ऑफ माय फेवरेट्स, चाहे वो नुसरत फ़तेह अली खान गाएँ, चाहे वो राहत गाएँ, चाहे साबरी ब्रदर्स गाएँ, चाहे जुनेद जी गाएँ, हमेशा अल्लाह से मिला देते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपकी अगर पर्सनल बात की जाए कि पर्सनल क्या चीज पसंद करते हैं, पर्सनल गायकी में गजलें पसंद करते हैं, कवाली पसंद करते हैं, सूफी पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं? आई लाइक इट सूफी, मुझे सूफी ज्यादा पसंद है, और सूफी में तसव्वुफ मुझे ज्यादा पसंद है। तो आप हालांकि काफी यंग लगते हैं मुझे, अभी बहुत यंग है, तो इतनी छोटी उम्र में सूफी के साथ प्यार होना। दरअसल हमारी परवरिश ही सूफियों में हुई है ना। चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी आपके पीछे कुछ टाइम, मेरे ख्याल से नई नई शादी है ऑलमोस्ट, तो ऐसा कभी होता है कि बाहर घूमने जाते हैं या मूवीज देखने जाते हैं? रेगुलर लाइफ कैसी है आपकी, मतलब जैसे जैसे हम लोग हैं बिल्कुल वैसे ही हैं क्या? क्या शौकीन कैसे हैं, किस टाइप के शौकीन हैं? जी चाय को छोड़कर किस किस चीज की ख्वाहिश रखते हैं, शौकीन किस किस चीज का शौक? अच्छा, चाय को छोड़ के, चाय को छोड़ के मुझे सोने का बहुत शौक। क्या कॉम्बिनेशन है, चाय सोने नहीं देती और आपको सोने का शौक, वाह। क्योंकि जब उठता हूं तो चाय चाहिए और जब सोता हूं तो चाय चाहिए। खैर, ये तो एक मुझे शौक अच्छे लोगों में बैठने का है, सुनने का है अच्छे लोगों को। बचपन से ही ये शौक रहा कि मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे समझाया कि बेटा सुनने का शौक रखिए आप, अच्छे आर्टिस्टों को, अच्छे शायरों को। जब मेरे वालिद साहब कहते थे जब सुनना आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला गाना भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बड़ी कहा, बहुत बढ़िया गल कीती है। हमारे हमारे बुजुर्ग भी हमें यही सिखाते रहे हैं कि अच्छा सुनो, हमेशा अच्छा ही सुनो। यही रीजन है कि हम आप जैसे आर्टिस्टों आर्टिस्टों को को आज ढूंढ ढूंढ प्रमोट कर के पा रहे हैं। ला रहे हैं और लोगों तक उनकी आवाज पहुंचा रहे हैं। कुलदीप की आवाज मुझे लग रहा है कम आ रही है आपको। कुलदीप भाई की थोड़ी सी ब्रेक हो रही, ब्रेक हो मैं रही। सोच रही हूँ गला ही दबा दूँ आज। अल्लाह हु गांधे गांधे अल्लाह गोली ना चला जा अल्लाह के पास ही भेज दो। किधर नहीं, जो मजाक कर है। रही हूँ भाई, सीरियसली मत लेना भाई, मजाक कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा पति कहाँ से मिलेगा जो चाय और कुलदीप कॉफी मिला कर दे। हाँ जी, हाँ जी सर बोले। हाँ मैं शेर, जी सुनिए वक्त के सुनिए। साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, ठोकरे खा के संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे अल्लाह मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। क्या बात है, मेरे तो सीख गए सर, बात ड्राइविंग करने जा रही है, अभी टेक्स्ट आया, डैड मैं आपकी गाड़ी लेके जा रही हूँ। ये बात तो सही है। लाइफ लाइफ जितनी दी है ना रब ने, उसको पूरा एंजॉय करना चाहिए, पूरे फन करना तो चाहिए। जुनेद भाई, आप सारे कितने बहन भाई हैं सारे? हम लोग सर 6 बहन भाई हैं, मेरी 5 बहनें हैं अच्छा, और मैं इकलौता भाई हूँ 5 बहनों का। तो बाकी बाकी कजन से आपके साथ जो बैठे हैं आपके साथी जो आज बैठे हैं, जी, आपको आपकी संगत दे रहे हैं, जो वो साहब आपके कजन्स हैं या म्यूजिक रिश्तेदारी है इनके साथ? नहीं, कजन से ही मेरे मेरे भाई हैं जो। अच्छा चलो ठीक है। और अब आप इकलौते भाई हो पूरे घर में, तो आप तो बहनों को बड़ा तंग करते होंगे, नखरे पूरे उठाते उठाती होंगी बहनें आपकी। नहीं, एक्चुअली मैंने तंग तो नहीं करा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आज मैं मेरी बात यही चल रही थी मेरी सिस्टर से कि मैंने कभी बचपन में आप लोगों को तंग किया जितना आपके बच्चे तंग कर रहे हैं। तो मेरी मेरी बहनों ने बोला कि भैया तुम कब जवान हो गए हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि तकरीबन मैं 8 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक घर से बाहर रहा हूँ तबला सीखने के लिए दिल्ली में, अच्छा, अपने माँ बाप से बहन भाइयों से अलग रहा। बड़ा मुश्किल काम है म्यूजिक, म्यूजिक के साथ जीना।
करेंगे आज। जुनेद जी, आपके बहुत सारे फैन हैं, उनमें से मैं हूँ, पिंकी है। पिंकी का थैंक यू करना चाहूँगी अगेन कि ऐसे ऐसे हीरो के साथ हमें मिला रही है, जो कि हम, जो हमारी ऑडियंस है, उनके सामने ऐसे आर्टिस्ट को पेश कर सके जो ओरिजिनल हैं, जो बहुत दिल से भी अच्छे हैं और जुबान से भी अच्छे हैं, मतलब अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छे हैं वो। अब मैं चाहूँगी कि ज़्यादा वक्त ना लें, जुनेद जी कुछ हो जाए, कुछ रूदारी हो जाए। जी, बिल्कुल। मैं हम के बाद एक नाते रसूल आप लोगों को सुना रहा हूँ। मुलायदा फरमा, जो कवाली का उसूल है। वैसे तो कॉल से महफिल चिश्ती में प्रोग्राम का आगाज होता है, मगर मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से आगाज किया है और मैं अब आपके सामने ये हम के बाद नाते रसूल के दो शेर पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये ईद स्पेशल प्रोग्राम है तो इसमें कुछ लोगों की गजल्स की फरमाइश की, तो इंशाल्लाह ताला जो भी हो सके तो आप तक पहुंचे। फारसी के वर्ड है, क्योंकि मुझे अमेरिका में सुना जा रहा है तो काफी लोग फारसी को पसंद करते हैं इंटरनेशनल लेवल से। Yeah.
से बहुत कवाली की बहुत शौकीन रही हूँ। कुलदीप आप कैसे, आपकी कैसे शौकीनियत रही है? मुझे शुरू से क्लासिकल बड़ा पसंद रहा, और आपने बताया मुझे कि आप 8 साल की उम्र से ही घर से चले गए थे, 8 से 15 साल तक तबला बजाने, तो फिर गाना कब शुरू किया? बस 15वीं साल से ये चस्का लग गया कि नहीं यार गाना भी गाना है। अच्छा, क्योंकि मेरे घराने में गायकी है, क्योंकि हर चीज का आप तो जानते हैं कि आपने माशाल्लाह तालीम हासिल करी है कि किसी घराने में तबला होता है, किसी घराने में गाना होता है, तो बस ये गाने का शौक इसलिए चढ़ा मैंने कहा यार, क्योंकि मेरे वालिद साहब जिस दरबार के दरबारी कव्वाल हैं, हुजूर छोटे बड़े सरकार बदायूं शरीफ सुल्तानुल्लाह शाह विलायत बदरुद्दीन सरकार के, तो वालिद साहब के बाद भी किसी को खिदमत करनी है उस दरबार की, तो इसलिए सरकार ने मुझे अपनी मिदहा के काबिल बना लिया। ये सरकार के नवाज़िश है, अल्लाह पाक की और मेरे माँ बाप की मायदा की नहीं है। तो इस दौरान 8 से 15 और 15 से गायकी के बीच में कभी पढ़ाई वढ़ाई करने का वक्त मिला कि रियाजी करते रहे? पढ़ाई मैंने पढ़ाई की, मगर इतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, झूठ नहीं बोलूंगा। किसी और मैं
मैं आपके चैनल से उन लोगों का, अपने टीचरों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बहुत बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई अगर मौजूद नहीं होता तो उसके फरिश्ते सुनते हैं। वाह जी, तो मैं ये उनके लिए दुआ करूंगा कि वो जहाँ लोग जहाँ भी रहें तो परवरदिगार उनको सलामत रखे, क्योंकि हर टीचर ने मुझे बेपनाह प्यार करा। क्योंकि मैंने दिल्ली में भी पढ़ाई करी और बदायूं में भी मिशन स्कूल में मैंने 10th तक पढ़ाई की, तो सारे टीचर्स मुझे, जगदीश सर थे हमारे, AK वर्मा सर थे, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार से नवाजा, और स्कूल में भी सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मतलब इतनी अथॉरिटी थी कि जुनैद सुल्तानी जब भी अगर जाना चाहे, मतलब दूसरे पीरियड से तीसरे पीरियड से, तो मैं जा सकता तो दिल्ली था। दिल्ली में आपने कहाँ रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में मैं लक्ष्मी नगर में ज्यादातर। क्या बात है। अच्छा, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली से बड़ा खास लगाव है। अरे वाह वाह, मैंने लक्ष्मी नगर में रहता था मैं, और वहीं मैं अपने गुरु जी के घर पे, उस्ताद मुबारक खान साहब के घर पे, जो भी मुझसे हो सकी वो मैंने खिदमत करी है। आज वो बहुत दुआएं देते हैं और ये सब मेरे उस्तादों की दुआओं का सबका है। तो फिर आपने जब उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा साहब से सीखना शुरू किया, तो आप फिर बम्बई ही चले गए थे या कैसे? नहीं सर, एक्चुअली गुलाम मुस्तफा साहब के जो साहबजादे हैं, कादिर मुस्तफा साहब, वो मेरे बहनोई भी हैं, अच्छा, तो उधर तो मामू उनके डैडी मेरे, और इधर ये मेरे बहनोई। तो जब जब मैं सिस्टर के पास गया, जब जब मैंने उनसे तालीम हासिल करी, और ये मेरे लिए भाई से फख्र की बात है कि उन्होंने इस लायक समझा और मेरे गंडा बांधा। जी आवाज आ रही है आपको? हमारी आवाज अब सही आ रही जी है? बिल्कुल। ऑडियंस, हमारी आवाज आ रही है? तो जी, आ रही है मुझे आप आपकी आवाज। तो चलो, अच्छी बात। आपसे आपसे जब आप उन्होंने आपको गंडा बांधा, आपके बहनोई साहब ने भी बांधा या खान साहब ने बांधा? मतलब वो भी नहीं, शागिर्द मेरे खास हुए? साहब ने, खास अच्छा, बहनोई साहब ने साहब, बहनोई साहब ने सिफारिश तो नहीं लगाई कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, इसको शागिर्द बनाना? एक्चुअली क्या है कि मेरे जो बहनोई हैं, मेरे जो जो बड़े बहनोई साहब हैं, कादिर मुस्तफा साहब, कुछ बातें बड़े पर्दे की होती हैं, मगर कुछ बातें शेयर करनी भी चाहिए। मैंने अपने जो बड़े बहनोई साहब हैं, कादिर भाई, तो उनको हमेशा अपने पापा की नजर से देखा, क्या वाह जी बात। वाह, क्योंकि वो मुझे बेपना प्यार करते हैं। और जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चारे चार चार बहनोई हैं, मुझसे चार सिस्टर बड़ी हैं, तो उन्होंने चारों ने मुझे अपने औलाद की तरह, बच्चे की तरह पाला है। मगर सबसे बड़ी बहन, आप तो जानती हैं मोनी दी, कि सबसे बड़ी बहन का रुतबा माँ की जगह होता है। बिल्कुल सही बिल्कुल कहा सही कहा। आपने। तो ऐसा ही उन्होंने हमारे जो मुझे, मैं सिर्फ इतनी दुआ करता हूँ, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे मुझे बहने और बहनोई दिए हैं, मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार सबको ऐसे बहनोई और बहने दे। क्या वाह जी बात है, वाह, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और ऐसी दुआ मैंने आज तक कभी सुनी नहीं अपनी ज़िंदगी में, कि एक भाई दुआ कर रहा है कि मुझे ऐसी बहनें ऐसे मिले जीजे और मिले, ऐसे ये जीजे मिले। बहुत अच्छी बहुत बात बड़ी कही बात आपने। की आपने। मैं इसलिए बोल रहा हूँ साहब कि मैंने भी तकरीबन, मेरी म्यूजिक जर्नी को 20 साल हो चुके माशाल्लाह कंप्लीट, तो इन 20 साल में मैंने भी काफी कुछ देखा है दुनिया में, फॉरेन कंट्री भी घूम के आए हूँ, इंडिया में भी मैंने काफी कुछ देखे हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र भेजता हूँ मैं कि जहां भी टेंशन नजर आती है घरों में, तो सबसे पहली टेंशन बहन की तरफ से नजर आती है। ये तो है। मगर मैं एक पहला बंदा हूँ जो अपने घर में, मैंने ये बात देखी कि मेरे सारे मसले मेरे बहनोई निपटा देते हैं, पता भी नहीं चलता वाह मुझे। जी वाह। इसके लिए, उन सबके लिए जितने बहनोई हैं उनके लिए ये तालियां दिल से। मैं बहनोई से बात बताता हूँ, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं। मेरा छोटा साला साहब ज्योति, नवजोत सिंह नाम है, तो शुरू शुरू में मेरे पास जब रहने आया, तो आपस में मियाँ बीवी की कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो मेरे और मोनी की आपस में जी कुछ कुछ खटपट हुई, तो मैं ऊपर चला गया। और मैं ऊपर से गया जी तो हमारे घर में सीढ़ियों से आवाज़ ऊपर आ जाती है, तो मैं देख रहा हूँ कि जी मेरा छोटा बहनोई साले साहब अपनी बहन से कह रहे हैं जी कि जीजा तेरे को इतना तंग करता है, इसके इंश्योरेंस के जी पैसे वैसे हैं कि नहीं?
मैंने बोला कमाल का साल मैंने बोला कमाल का साल है, वैसे ही मारने का प्रोग्राम बना रहा है नीचे लेकिन जोक अपार्ट, बहुत अच्छा, ह्यूस्टन में है, बहुत प्यार करता है, मेरी भी बच्चों की तरह मैंने उसको पाला। भगवान करे ऐसे साले भी होने चाहिए कि भाई थोड़ा बंदे को केयरफुल रहना चाहिए तो अपनी वैसे चीजों में। बचपन में, जैसे कि आपने कहा कि 8 साल की उम्र से आपने तबला शुरू कर दिया, फिर दिल्ली चले गए, तो मम्मी तो बेचारी एक इकलौता पुत्र हुए, और मम्मी बेचारी जब आते होंगे फिर तो बड़ा लाड लगाती होंगी। मम्मी मम्मी बहुत रोती थी और आज भी उस बात को सोच के बहुत रोती हैं कि एक्चुअली मैं गया था मेरे शौक में। मेरे मेरे मम्मी डैडी ने कभी मुझसे नहीं कहा कि आप जाओ या कुछ सीखो या करो। मेरा शौक, मेरा जुनून था एक तबला सीखना। उसके बाद गाना भी ये अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्ट शुरू हुआ। शागिर्द बाद में हुआ मैं, मगर ये हारमोनियम मैंने किसी से नहीं सीखा। क्या बात है, वाह और जी, बहुत अच्छा ये हारमोनियम बजाते सब हैं। बस ये मेहरबानी है लगी। बातें करते करते लोगों की फरमाइश आ रही है बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं। कि हमें कुछ और सुनाएं। जफर खान जी लिख रहे हैं, जफर खान से लिख रहे, चले आओ मोहम्मद, ए उम्मत। उम्मत याद करती है, सो आई एम नॉट श्योर अरे क्या वाह कहने वाह, से। जीशान जी वाचिंग, विभा विभा जी, आप कल भी, मैंने परसों आपकी लाइव वीडियो में मैंने जुनेद जी से आपकी तारीफ सुनी कि आप बहुत अच्छा गाती भी हैं या सुनती हैं। कैफ खान जी वाचिंग, बहुत सारे लोग हमें वॉच कर रहे हैं लेकिन सबके नाम नहीं लिए जा सकते। ऑफ कोर्स पिंकी पारस जी वाचिंग, रूबी जान जी वाचिंग, आई होप कि ये रूबी जान वो जान है जो इंडिया में बहुत अच्छा गाती हैं। और शाहरुख जी वॉचिंग, अंगत वॉचिंग, बड़े सारे लोग वॉच कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जिन जिन के नाम मेरे आंखों के सामने आ जाए मैं ले लूँ, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ईच एंड एवरी वन कि आप अच्छे म्यूज़िक को सुनते हैं, अच्छे फ़नकारों को सुनते हैं। आपकी वजह से ही इस फ़नकार बनता है, और फ़नकार अच्छी चीज़ तब पेश कर सकता है जब ऑडियंस अच्छी हो। और ऑडियंस, एक बात बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे हम, क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, कभी कभी इंडिया में सिग्नल गिर जाता है, कभी कभी यूएस में सिग्नल गिर जाता है, सो बेयर विथ अस। हम जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको घरों में एक बढ़िया छोटी सी कॉन्सर्ट के तरीके से ईद सेलिब्रेशन की जाए। तो सचुने जी, अभी अब हमें आप क्या सुनाने वाले हैं? मैं हजरत मौला अली की एक मनकबत आपको नजर कर रहा हूँ। ठीक है जी। मौला अली का कलाम है जी।
बात और पूछना चाहूंगी आपसे, आप पूरे ग्रुप में जब कोई ट्यून सेट करते हैं तो म्यूजिक कंपोजर भी आप खुद होते हैं? आवाज आ रही है आपको? जी 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 कुछ कंपोजिशन हम अपनी गाते हैं, कुछ अपने बुजुर्गों की गाते हैं, और कुछ अगर किसी की अच्छी लगती है तो उनकी फॉलो करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। तो अभी नेक्स्ट अगर आपको दिल, मतलब जैसे हम लोग हर किस्म का ही म्यूजिक सुन लेते हैं, तो आप
और अगर आपका, अगर गजलों में अगर कहा जाए तो आपका फेवरेट कौन है? गजलों में मेरे फेवरेट गुलाम अली खान साहब। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत, मेरे भी फेवरेट। नहीं कहूंगी तो ऐसे जुत तो नहीं कहूंगी तो चित्र भी पड़ेंगे। और उसके बाद, और आज आजकल के जनरेशन में देखा जाए, बॉलीवुड हो गया या बॉलीवुड पाकिस्तान हो गया, तो आजकल के जनरेशन में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? बॉलीवुड में, अगर मैं जेंट्स में बात करूं तो राहत भाई बहुत पसंद है, राहत भाई, अरिजीत और अरमान मलिक, ये सब अच्छा गाते हैं। सोनू निगम तो आपके गुरु भाई नहीं हुए, वो भी उनके शागिर्द हैं, आपके उस्ताद जी के, राइट? तो गुरु भाई है, बिल्कुल गुरु भाई है, वो तो गाते अच्छा है माशाल्लाह। हमारे भी फेवरेट है सोनू निगम, अरिजीत, राहत या फिर राहत फतेह अली अरिजीत। खान साहब। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पर जो अब दरगाह पे जहाँ आप गाते हैं, तो वहाँ पर हमारे गुरुद्वारे में जैसे कीर्तन होता है, सुबह भी होता है, शाम को भी होता है, तो आपके यहाँ रोज होती है कव्वाली या वीकेंड पे या दिन त्योहार वाले दिन कि होते हैं? जुम्मा के जुम्मे जुम्मे रात, जुमरात को नहीं, हमारे यहाँ वैसे हमारा दरबार में सरकार का ऐसा है कि वहाँ हर रोज कव्वाली होती है, हर रोज। वाह, क्योंकि हुजूर हमारे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में माशाल्लाह सुबह से जो कव्वाली चालू होती है, तो जो 5 वक्त की नमाज होती है, बस वो नमाजों के वक्त जरूर होती है। ऐसा ही हमारे सरकार में सुल्ताना हकीम साहब ने भी यही है, मगर अभी 3 महीने से, 2.5-3 महीने से लॉकडाउन में भी बिल्कुल नहीं हाजिरी हो पाई है सरकार ने। मतलब सुबह कितने बजे से शुरू हो जाती है कवाली, अगर अगर रेगुलर लाइफ हो तो? अजमेर शरीफ में तो सुबह से ही माशाल्लाह फजर की नमाज मतलब 6 बजे से शुरू होती है, मगर हमारे जो वतन में हमारे बदायूं शरीफ में 2 बजे से स्टार्ट होती है। दोपहर को? ये तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट जी, टाइम है, सूट करता होगा आपको तो 2 बजे का। मैं ज्यादातर हाजिरी पेश करता हूँ अपनी 7 बजे मतलब शाम मगरिब की की नमाज के बाद। तो हर मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कवाल वहाँ रोज आते हैं और अपनी अपनी कवाली पेश कवाली करते हैं, पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबको इजाजत है कि कोई भी हाजिरी दे बैठ के, कोई टेंशन नहीं। मकसद ये था पूछने का, क्योंकि हम सिख हैं बोथ, दोनों जाने, तो हमें इतना मालूम नहीं, तो बस नॉलेज ले रहे हैं आपसे कि जैसे हमारे सिखों में गुरुद्वारे में जैसे सेवा करते हैं जो रागी हैं जो कीर्तन करते हैं, तो ऐसे ही हमारे हमारे इंडिया में जो कव्वाल हैं या पाकिस्तान के जो कव्वाल हैं, जहाँ जहाँ कव्वाल हैं, तो वो ऐसे ही हाजिरी लगाते हैं अपनी मस्जिद में, है ना? तो बेसिक वहाँ कवाली करने के लिए आप बाहर भी जाते हैं, कॉन्सर्ट वगैरह भी करते हैं, शोज करते हैं, या सिर्फ कवालियों के प्रोग्राम पे ही जाते हैं? नहीं, मैं इवेंट्स के शो वगैरह जैसे कि अपने मैरिज के और महोत्सव वगैरह जो होते हैं फेस्टिवल्स, अलग बड़ा कर, इंडिया में भी काफी हमने फेस्टिवल्स गाए। तो लोग आपको कैसे बुक करते हैं, आपको क्या, कैसे आप अप्रोच कैसे कैसे अप्रोच करें, जो कैसे हमें करते अब ऑडियंस देख रही है उनमें बहुत सारे प्रमोटर हैं, मैं चाहती हूँ कि स्पेशली जो हैं? US बेस हैं उनको डेफिनेटली आपको रीच करें, तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए या फिर आपका कोई कांटेक्ट नंबर है, कैसे आपसे रूबरू हो सकते हैं? मेरे जो जो इवेंट्स वगैरह के, दरअसल कव्वाली के जो शोज हैं, कुछ लोग उसमें ऐसे मिल जाते हैं कि वो डायरेक्ट, जैसे कि भाई आप जुनैद भाई को जानते हो, जुनैद भाई के टर्म्स में, मगर मेरे सारे प्रोग्राम्स वगैरह मेरे भाई हैं रब्बानी मुस्तफ़ा खान, वो भी खास साहब के साहबजादे हैं और वो खुद अच्छा, बहुत अच्छा गाते हैं और माशाल्लाह बहुत एक बिग पर्सनैलिटी, तो उन्होंने सब मेरा वही संभाल रहे हैं आजकल, और उनके साथ संदीप चौधरी और मेरा भांजा आमिर मुस्तफ़ा, सब लोग, पूरी टीम है, मैनेजमेंट टीम, सारा शोज वगैरह का वही संभालते अच्छी बात है। चलो, और बाकी अगर कोई लोकल हमें USA में देख रहा है और कनाडा में देख रहा है या लंदन में देख रहा है, तो फील फ्री टू कांटेक्ट अस, तो हम आपको जुनेद जी के हैं। पास ले चलेंगे जब भी तो लॉकडाउन के जुनेद बाद। जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप कॉन्सर्ट में गए हो, कवाली कर रहे हो, और कहीं से कोई बंदा आके उसने फरमाइश कर दी कि आप कोई गाना सुनाओ हमें, फिल्मी? फिल्मी कवाली या फिल्मी काफी बार हुआ, काफी बार हुआ। काफी बार हुआ है,
काफी बार हुआ है। मतलब तो फिर आप क्या साथ? कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम कभी कभार तो ऐसा भी होता है हमारे साथ कि अभी हमने हमद भी शुरू नहीं करी है, वो आके बोलता है कि वो सुना दो झूम बराबर झूम चुराने। तो वो लोग बेचारे नाचने गाने के मूड में आते होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, तो हम भी कह देते हैं कि साहब भाई तुम अपने मूड में और हम अपने मूड में। आर्टिस्ट एक्चुअली बड़ा मूडी होता है, और अगर वो एक बारी अपने सुरों में खो जाए तो बस फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको वापस निकालना। तो आपने अभी तक बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया गाना, फिल्मों में? चल रहा है बस, आप अल्लाह जो मेरे फैंस हैं जो मुझे सुन रहे हैं ये लोग दुआ करें, और मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि जो कुछ चल रहा है अल्लाह उसमें कामयाबी दे इंशाल्लाह। सर, आप तो वैसे ही बहुत कामयाब है, इतनी बड़ी दरगाह पे आप जो हाजिरी भरते हैं, इससे बड़ा काम तो कोई भी नहीं हो सकता। जी अच्छा, आपका एक बहुत ज्यादा फेमस रश्के कमर, तो वो इतना फेमस हुआ उसका रीजन क्या है? आपकी जिस तरीके से आप गाते हैं या जैसे आप लुक देते हैं उस गाने को, वो इतना फेमस आपने बना दिया, क्या रीजन है उसके पीछे? ये रब की मेहरबानी है जी, जबकि वो ऐसी शख्सियत का गाया हुआ एक गजल है मेरे रश्के कमर के, उनसे अच्छा तो मैं शायद कभी गा भी नहीं सकता उसको, उस्ताद नुसरत उस्ताद फतेह अली नुसरत खान फतेह अली साहब। खान। हाँ, और राहत भाई ने फिर उसको फिल्म में गाया, और भी काफी आर्टिस्टों ने उसको पेश किया। गाया मगर है हाँ, ये बड़े गर्व की बात है कि कव्वाली फील्ड में मेरे रश्के कमर कव्वाली फील्ड में सबसे पहले इंडिया में मैंने गाया उसको स्टेज के ऊपर, क्या बात है, तो वो भी सुनेंगे जो आपसे, सब कुछ सुनेंगे आज। आज आपको हमने जाने नहीं देना, आज आपके अंदर जो जो खजाना छुपा है वो हमने सारा निकाल लेना आज। लोगों कमर की फरमाइश आई है, दो चार लोगों ने फरमाइश की रश के कमर के बारे में, अगर आपको ठीक लगता तो जब भी आप, नहीं, जब भी या जब आप भी आपको लगे कि अब आप नेक्स्ट क्या सुनाने वाले हैं, आपका क्या दिल कर रहा है अंदर से जो आवाज आए आपके? जी एक्चुअली जो कव्वाली का है मैं गजल जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि आपने ईद स्पेशल रखा है, तो ईद की प्यार के लिए गजल जरूर सुनाऊंगा। मगर उससे पहले मैं मेरे सरकार जिनसे कव्वाली शुरू है, गरीब हाँ जी नवाज बिल्कुल, ख्वाजा जी, हाँ तो मैं एक कलाम ख्वाजा साहब की नजर कर रहा हूँ, जो इस वक्त मेरा इंडिया में बहुत हिट चल रहा है। वो उसके दो शेर मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे गजल की जर्नी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आपका टीवी है सर, चाहे आप दो सुनाए चाहे चार सुनाए शेर, हम तो बैठे हैं आपके सामने। बहुत शुक्रिया, आइए। आजकल एक ऐसी वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में जिसका नाम कोरोना है, और मैं दुआ मांगता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्द से जल्द इस बीमारी से पूरी दुनिया को निजात दे। और एक दरख्वास्त माजा जी मैं लगा रहा हूं, क्योंकि गरीब नवाज सबकी सुनते हैं वाजी और हमें नाज है गरीब नवाज पे कि वो हमारी भी सुनेंगे। तो आइए मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोगों की फरमाइश है कि जुनैद भाई आज कुछ नया भी सुनाइए। तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश रहती है कि कुछ नया आप तक तो पहुंचाऊं। ये कलाम मैं उन लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ, मुलायजा फरमाए। जी, ये मां
हंसी न उलट दे देंगे।
बात है, जबरदस्त। वाह जी वाह। ख्वाजा रब अल्लाह राम रहीम जेड़े भी सारे जीजस सानू जेड़े रिलीजन दे लोग जो जो बिलीव करते ने सारे दिल तो अरदास करो, दुआ मंगो कि ये करोना तो वाकई सानू अलग किया जाए और ये करोना खत्म ही हो जाए, क्योंकि इस करोना ने इंसानी जाना तो लितियां ने। सॉरी मैं पंजाबी बोल रही हूँ जुनेद जी लेकिन ये जाना इंसानी जाना तो लिया ने करोना ने, लेकिन करोना ने बहुत सारे ऐसे लोग ने जिन्हों की रोज़गारी भी खा गई है। सो इस करोना तो सानू छुटकारा चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग ने इंडिया दे विच पाकिस्तान हर जगह दे विच जिथे कई लोग ऐसे ने जिहड़े हैंड टू माउथ ने, हैंड टू माउथ पंजाबी हिंदी च की कहांगे, रोज काम करांगे तां पैसे आणगे, रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच ओह काम करदे ने ते ओह खांदे ने कमांदे ने जो खांदे ने ते उहनां दा बुरा हाल है। या जिहड़े आर्टिस्ट ने, फनकार ने, एक्टर ने, फिल्म मेकर ने, एंटरटेनमेंट दे विच ने, उहनां नूं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होया ये करोना, फाइनैंशियली बहुत इफेक्ट किया। तो साडी सारिया वल्लों यही दुआ है, ख्वाजा तो कह लो या रब तो कह लो, कि वाहिगुरू इस बीमारी तो सानू निजात दिलावे। थैंक यू, आपने ये दुआ में हमें भी शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हुन सानू की सुनान वाले हो? पहली गल, सब तो पहला सर, आपके जो पीछे बैठे हैं वो आपके कजन ब्रदर हैं। क्या बात भाई, क्या जिन्होंने आपका साथ दिया आज, क्या बात है, क्या बात है। और एक से एक आवाज मुझे कैमरे के पीछे से कहीं से सुनाई दे रही, कौन साहब है? बड़ा सोना सुर लाया उन्हें भी, सुभान। क्या नाम उनका? सुभान 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 अल्लाह, वाह जी वाह। अच्छा तो आज वैसे ढोलक पे पीछे आपके बैठे हैं, ये मुझे लग रहा है ये बेचारे रमजान में बहुत कमजोर हो गए हैं। सबके रोजे अकेले नहीं तो नहीं रख लेगा इसलिए, ये पूरे साल के रोजे रखते हैं। आज वैसे ढोलकी की आवाज इतनी ज्यादा नहीं आई क्योंकि नहीं, अच्छा क्योंकि बहुत बढ़िया बजा रहे हो, बहुत सही बजा रहे हो, और संगत असल में उसी को कहते हैं कि एक दूसरे को कवर, मतलब साथ चलो, ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ, संगत असल में संगत होता है एक दूसरे के साथ चलना। बहुत कमाल की संगत कर रहे हो आप लोग, अच्छा टीम वर्क है। और मैं बहुत टेंशन में थी, बस अच्छा हो जाए प्रोग्राम, लेकिन वही है कि इंटरनेट महाराज की कृपा हो, चाहे वो यूएसए का इंटरनेट हो चाहे वो इंडिया का हो, आज टच वुड आज इतना ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि अली ब्रदर का जब हमने किया तो बेचारों का 3-4 दफ़ा काटना पड़ा, पर थैंक गॉड इंटरनेट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज साथ देने का। तो अभी ये सुन बताएं कि अब आप अचानक अभी बहुत ज्यादा हवा चल रही है। ओहो, अभी बस दुआ एक बार फिर से आपकी, आपने अभी दुआ की सुन तो नहीं ली भगवान ने ऊपर? दुआ ये करें आप लोग कि लाइट ना जाए। आंधी चल रही बहुत ज्यादा।
ओए होए, तूफान चल रहा था। इससे पहले तूफान और ज्यादा हावी हो जाए तो हम सुरों का तूफान शुरू करते हैं आपसे फिर से, कि अब हम आपसे क्या सुनना चाहें, आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? हम तो बड़ा कुछ सुनना चाहते हैं। मैं आपको तसव्वुफ लेके चल रहा हूँ, उसके बाद गजल का माहौल बन जाएगा। क्या तसव्वुफ बात है, ठीक है सर। आप लोगों के साथ रह रहे के अब मेरी उर्दू भी सही हो जाएगी। तसव्वुफ दरअसल एक ऐसी चीज होती है कि अपना अपना ख्याल होता है उसमें, अपना रुझान। नुमाइश में खलल Oh,
हाँ जी सर, शेर आप लोग शेर बहुत अच्छा सुनते हैं और मेरी ऑडियंस जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे सबसे समझ जाता हूँ। मौत पर हक है मगर आखिरी ख्वाहिश ये है, मौत पर हक है मगर आखिरी ख्वाहिश ये है, आके खुद रक्त किया करता है मर जाने तक, आके खुद रक्त किया करता है मर जाने तक,
सांस चलती रहे तेरे आ जाने तक, क्या बात है सर। अब सांस से याद आया मुझे, आपने अभी भी बताया कि आपकी शादी होगी, राइट? शादी हो गई है। शादी होगी राइट? अच्छा, तो कैसे था, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, थोड़ा बताएं जरा कुछ। ऐसी बात है किया ना करो। नहीं बताना, जब तो शादी हो गई, अब तो शादी कर सकते हो, बीवी का नाम भी ले सकते हो सर। जी जी, मैं, मेरी जो शादी हुई है वो मैंने लव को अरेंज किया। अच्छा अच्छा, पहले लव किया फिर अरेंज किया, तो कैसे, अल्लाह का शुक्र है कि कैसे चला ये सिलसिला। कुलदीप बड़ा इंटरेस्टिंग है। तबले वाला तो पच गया, टोल के वाला पिछो। ये कुलदीप भाई, बस उनसे मैं ना लड़े के लड़ रह गए। क्या बात है, तो मतलब 2-3 साल नैना लड़े, उसके बाद शादी हुई कि 5-10 साल लग गए? हाजी साहब, इतनी मौलत ही गांधी, 1 साल ही लड़े थे। तो अभी के शहर से या दूसरे किसी शहर से? वो नहीं, वो एमपी से बिलोंग करते। एमपी से, मतलब आप यूपी से एमपी, नजदीक ही रहा सिलसिला, ज्यादा दूर तक नहीं गया? हाँ, ज्यादा दूर नहीं, बस 1000 किलोमीटर जाते। तो मैं जरूर चाहूंगी हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको पानी दे दिया जाए, चाय वाय जो भी हाजिर कर आप पी सकते हो सर, पीछे बैठे हैं। आप भी अगर जुनेद जी कुछ पीना चाहें। आपकी जुनेद जी, आपकी वाइफ का नाम तो लें, वो भी सुन रही होंगी। जी, मेरी वाइफ का नाम जनाब नौरीन है। नौरीन। अच्छा, मेरी भाभी का नाम भी नौरीन है, क्या बात है, सब दो दो भाभियां होंगी ना। आप मेरे भाई बने तो वो भी भाभी हुई। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल। तो आपने जब लव से इसको अरेंज किया तो कितनी कठिनाई हुई, कितनी मुश्किल हुई इसमें? मतलब इजी था? नहीं साहब, ये बड़ा गर्म रहा कि दोनों पार्टियां राजी थी। अच्छा, अच्छी बात है, मतलब मुक्का लात नहीं हुई। चलो अच्छी बात है। तो वो भी गाने बजाने वाले परिवार से या क्या करती थी? नहीं, वो खान फैमिली से, पठान फैमिली से। अच्छा, क्या बात है। तो फिर आप तो सारा दिन गाते रहते हैं, तो वो पागल तो नहीं हो जाती? एक्चुअली ये हमारा गाना ही ना पसंद आ गया था। फिर ठीक है। इसका मतलब रू दारी वाली है। हाँ, सुनना बहुत अच्छा जानते। अच्छी बात है, यही बहुत जरूरी है। हमारे जैसे सुनना बहुत पसंद, जैसे मैं बहुत गुड लिसनर हूँ, कुलदीप भी अच्छे, इन्होंने उस्ताद अल्लाह रखा जी से तबला सीखा है, हालांकि ये खुद प्रैक्टिस नहीं करते, इन्हें करनी चाहिए अभी, लेकिन अच्छे अच्छे खान साहबों को सुना है बचपन से, उस्ताद सलामत अली खान साहब को भी सुना है, और जैसे आपके उस्ताद उनको सुना है, पंडित रविशंकर जी को सुना है, पंडित शिव कुमार जी को सुना है, जाकिर भाई को बहुत सुना है। सुन के ही पता लग गया कि सुनना भी एक आर्ट है, ये सुनने वाले भी चाहिए भाई सामने, अगर सब बजाने वाले होंगे तो सुनने वाले कहाँ जाएंगे, और सुनने वाले ना हो तो बजाने वाले क्या बजाएंगे। तो अभी बताएं, अभी इतनी रोमांटिक सी बातें की हैं कुलदीप ने, कोई रोमांटिक कोई चीज याद है? अभी आपको गजल के सफर पे लेके चलते ना।
मैं थोड़ा सा रोमांटिक टच एक गीत आपको सुना रहा हूँ, जो मैंने आज थोड़ा सा कंपोजिशन वगैरह की है उसकी, जी जो आप बिल्कुल। लोगों को घराने को बड़ा पसंद करते हैं, उस घराने से, उस घराने का थोड़ा सा रंग लेके इसको उस्ताद सलामत नजाकत अली सलामत अली साहब के क्या घराने बात से है, टच, वाह, जो वो श्याम चौरासी थोड़ा घराने से सा लेकर आ उस रहे हैं। जी मैं क्या, उनका घराना तो श्याम चौरासी घराना, उस घराने से कुछ लेकर आ रहे हैं, उस घराने का टच मैं थोड़ा सा टच लेकर आ रहे हैं। इस गीत में, हाँ गीत में पेश करना चाह रहा हूँ प्लीज। थोड़ा सा। तो इसमें दो तीन शेर, ये एक आपको ऐसा मजा आएगा जैसे ठुमरी का मजा आएगा इंशाल्लाह, इसकी वाह कोशिश क्या रहेगी बात, थोड़ी सी मेरी फेवरेट है ठुमरी, बस, और ज्यादा इसमें रिदम रहेगा राजस्थानी क्या और बात, गायकी आपको थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत पर। क्या बात है, शुरू कीजिए जी, शुरू कीजिए। वाह वाह जी वाह, वाह जी। ये हमें आपने रोमांटिक माहौल में ले गए आप। अपने आप ही रोमांटिक बन गया काम। लेकिन आप सही दिख रहे हैं। ये हमारे रियान सुभान भाई की अभी हमने लाइट की तारीफ करी थी, अभी तो रास नहीं आई लाइट को हमारी तारीफ, पर ये जो आपके सेलफोन की फ्लैश लाइट है ना, ये इसके इसके जरिए आपका चेहरा बहुत अच्छा नजर आ रहा। जो मैं सो जानती दुख के क्या बात, क्या
Thank you.
क्या बात जबरदस्त और कुछ अलग ही रंग नजर आया आज, मजा आ गया। मतलब लाइट पीछे गई है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, ना परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा है, बीच में लाइट एक बार आ भी गई। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, भाई कमाल के आर्टिस्ट हो आप लोग। कमाल इसको बोलते हैं आर्टिस्ट, के जो मर्जी हो जाए सुर नहीं हिलना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन, है ना। दरअसल ये जो आज की महफिल हम गा रहे हैं, आप यकीन जाने मैंने पहले भी कहा आपसे कि कुछ बातें पर्दे की होती हैं, जैसे मैंने गरीब नवाज का कलाम पढ़ा तो एक अलग सी रूहानियत फील हुई, एकदम हवा का चलना और सब कुछ। ये बुजुर्गों की करम नवाजी की बातें हैं बेशक, क्योंकि हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है जब जिस बुजुर्ग का नाम लिया जाता है तो वो बुजुर्ग खुद मौजूद होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, नुसरत साहब ने कलाम में पढ़ा है शाह मर्दाने अली में, एक जगह उन्होंने बोला है कि जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आते हैं, दीद है। वाह वाह वाह,
सही बात, ये वही मसला है। वाह, आपने जो बात की है, हम यहाँ अमेरिका में बैठे इतनी दूर, लेकिन हमें भी ऐसे फील हुआ फील कि हुआ। जैसे वो हमारे पास भी आए हैं, और जितने भी लोग सुन रहे हैं और सुनने वाले, उन तक भी वो पहुंचेंगे जी जरूर। जी बड़ी बहुत बड़ी बात कही जी आपने और आज मेरे, मैं कहता हूँ रोंगटे खड़े हो गए, पंजाबी कहते हैं लूकंडे खड़े हो गए ने, गूज बम्स आ गए हैं ऐसी बात सुनकर, क्योंकि वाकई ऐसी फीलिंग हुई कि कुछ रब आ गया सामने, जिवें कुछ कुछ आया ऐसा फीलिंग हुई। डिफरेंट हो गया, लाइट चली गई, आप लोग फिर भी उतने ही खूबसूरत लग रहे हैं, उल्टा मैं कहूंगा ज्यादा लग रहे हैं अब तो। अब तो मैं सोच रहा हूं तुम्हें गाना छोड़ो, बॉलीवुड में हीरो ले लेना चाहिए। एक्चुअली ही इज वेरी हैंडसम। तो हजरत बेदम शाह साहब, बेदम शाह वारसी साहब फरमाते हैं, चलिए वो मैं कलामी सुना देता हूँ, चलो मैं चलो बात को यहीं ब्रेक। ठीक है जी। बिल्कुल जो आपने जुमला कहा ना कि लाइट भी वैसी है और सब कुछ वैसे चल रहा सलाम बजा लाते बजाओ बजाओ। वाह क्या बात है, जो मुझ में बोलता है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है।
यार से अपने अपने पीर से निस्बत होती है जी। आपकी अपने पीर से हमारी अपने पीर से निस्बत है तो हम क्या कहते हैं मिटाने वाले तू प्रभु का मुझे मिटा दे बचाने वाला मेरे साथ साथ रहता है जलवा 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 बाबा पहले हुए मिट्टी की मूरत कोई बहरू पिया है मैं नहीं कोई बहरू पिया है बोले तरे से पर अली बोले तरे से पर निशाने मुस्तफा है मैं नहीं निशाने मुस्तफा है मैं कहा सूली में चढ़कर कहा मंसूर ने सूली में चढ़कर कहा मंसूर ने सूली में चढ़कर अकल हमारी सदा है अकल हमारी सदा है अकल सदा है मेरे पर्दे के मेरे पर्दे के अंदर कोई आकर मेरे पर्दे के अंदर कोई आकर तमाशा कर रहा है कहाने में जाकर कहाने में बुतखाने में जाकर कहाने बुतखाने में जाकर यहाँ नक्शा मेरा है क्या बात, वाह जी वाह, मजा आ गया। मुझे वाकई लग रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। कमाल कमाल कर दी सर आपने, वाकई जुनेद सुल्तानी जल्दी ठीक है, आप ही हो सुल्तानी। जी बहुत सारी फरमाइशें आई हैं, आई विश कि हम आपकी ख्वाहिशें सारी पूरी कर सकें। और एंजल जी आपको तो बड़ा दुख लगा कि जुनेद जी ने शादी कर ली, पर भाई खुशी खुशी मनानी चाहिए क्योंकि अगर वो खुश हैं तो हम खुश हैं, राइट। और पिंकी ने लिखा सुभान अल्लाह क्या बात है, और विभा जी ने भी लिखा सुभान अल्लाह। बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र अनुराग जी देख रहे हैं, गोल्डी जी देख रहे हैं, जिन जिनों के मैंने नाम नहीं लिए, रेना जी वैष्णो देवी से, बहुत आप भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, थैंक यू जी, आप हर म्यूज़िक कॉन्सर्ट और हर वीडियो को आप देखते हैं, बहुत बहुत मेहरबानी। कैफ खान जी देख रहे हैं, सिमरन कौर जी अभी ज्वाइन की हैं, ये ज़माना मेरा हुस्न का है, आपने कोई फरमाइश करी है जी, कोशिश करेंगे कि फरमाइशें पूरी कर सके। आज तो ये खास माई टीवी के लिए हैं, और अब आप हमको किस रंग में लेकर जाना चाहेंगे? अब मैं ये उतार लेता हूँ। हाँ प्लीज। अब तो पखा फैन में नहीं चल रहा ना, बनता है। अब मैं आपको गजल के तरफ लेके चल रहा हूँ। अच्छा, इनकी आंखें और इनके बाल, आज जब ये सुबह नहाकर निकले, शाम के इंडिया के रात थे और यहाँ के सुबह थे, तो मुझे एक दफा तो ऐसा लगा जीजस आ गया।
तो आप में मुझे ऑलरेडी खुदा नजर आ गया। तो चले, अब हमें कौन से रंग में आप लेकर जाएंगे? भाई बहुत देर से फरमाइश थी पिंकी पारस जी की के रश्के कमर। प्लीज, वो हमारी सबकी ख्वाहिश है। हाँ, और माई टीवी की पहली फरमाइश भी वही थी कि जुनैद भाई आपसे रश्के कमर सुनना है, तो मैं वो हाजिर कर देता हूँ, उसके बाद जैसा भी होता है देखते हैं। ठीक है जी। इरशाद। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर जिसकी बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, क्या बात। ये हुआ क्यों हुआ महसूस, जैसे फिर नहीं होगी, एक नजर मुड़के एक नजर नजर क्या ये फिर नहीं होगे, फिर रश्के आ गए, जा
मुलाकात पर सुरख
उसने शर्मा के मेरे सवाल पर, उसने शर्मा के मेरे सवाल पर, उसने शर्मा के मेरे सवाल पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया, उसने शर्मा के मेरे सवाल पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया, क्या बात है, वाह जी वाह, वाकई मजा आ गया। और आप हर बार जब गाते हैं इसमें अलग ही एक मजा होता है, अलग ही मुर्कियां होती हैं, अलग ही जगहें लेते हैं, ये इसमें एक काबिले तारीफ बात है। इसमें ये कर्म है मालिक का। क्या बात है जी, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मुझे एक्चुअली ऐसा म्यूज़िक इतना पसंद है, मैं दिन रात यही सुन सकती हूँ और एक्चुअली सुनती भी हूँ। कुलदीप बेचारे कभी कभी बोर हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों से दिन रात नहीं सुनेंगे, पक्की बात है। जी मज़ा आ गया, वाह, अब तो मुझे छोटे छोटे उस्ताद की भी आवाज़ें आ रही हैं बीच में। ये कौन सा गा रहे हैं पीछे, इनके भांजे। मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है उसकी। बाय द वे, लोग कंप्लेन कर रहे थे जब हमने प्रोग्राम शुरुआत की कि आवाज सही नहीं आ रही, इस बच्चे की आवाज इतनी क्लियर आ रही है कि दूर से गा रहा है और उसके एक एक लफ्ज समझ में आ रहा है। देखो अगर बच्चा बच्चा कहते हैं रब रूप है, सो बच्चा नू मजा आ गया ते सारी दुनिया नू मजा आ गया जी, इस तो ज्यादा की मजा। हाँ जी, हुण जुनेद जी मैनू ए दसो कि हम लोगों को ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं और मुझे तो लग रहा है कि जैसे अभी तो हम शुरू हुए हैं, अभी तो आप पूरी रूहदारी में, अभी जो सिंगर है ना जो कवाल ने, 2 घंटे च तो वार्म अप होंगे, मतलब बिजली जा के फिर आ गई। आने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई आपके पास कोई है नॉलेज कि आने वाले टाइम में आप क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ बिजलियां गिराने वाले हैं? बस ये है कि अभी जो मैंने एक आपको सुनाया जो क्लासिकल में थोड़ा सा अंदाज था उसका, घर आ जाओ, तो वो इंशाल्लाह जल्दी हम उसको रिलीज करेंगे। ये थोड़ा सा लॉकडाउन थोड़ी मोहलत मिले जरा, तो बहुत अच्छा करके कुछ उसको फोक अंदाज में रखेंगे ऑडियंस के सामने, क्योंकि कुछ लोग हमें, क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे हर किस्म की ऑडियंस प्यार करती है। बिल्कुल, मुझसे लोग कुछ महफिलें ऐसी हैं कि जहाँ मैं ओनली फारसी पढ़ता हूँ, और कवाली तो ट्रेडिशनल कवाली जो दरगाह की कवाली है वो तो ऑलमोस्ट सब लोग सुनते ही हैं उनसे और सब जानते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल